लोग सब पार्टियों में जाते हैं इंजॉय करने के लिए, फिल्मी पार्टी में यहाँ वहाँ, कुछ पार्टी में फिल्मी पार्टी में कुछ लोग चले जाते हैं, एक साहब ने एकदम दो तीन पैक पी लिए और वो पार्टी में किसी सेलिब्रिटी को देख के भलता कुछ बोल रहा हो, भलता कुछ, मतलब मिसाल के तौर पर उन्होंने सुभाष को देख लिया, क्या बात है सर, मेरी किस्मत में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वाह 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 क्या फिल्में बनाई है आपने, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, लम्हे आपकी क्यों फ्लॉप हुई थी, वाह 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 आपका मैं फैन हूँ साहब, कुछ लोग ऐसी फालतू फिल्में बनाते हैं जैसे त्रिमूर्ति यादें, आई डोंट लाइक है, वहाँ से निकल के सुबह की परेशानी, क्या है कौन था ये, पार्टी में कहीं शाहरुख खान खड़े थे, वो सिगरेट पी रहे थे, वहां पे चले गए, सुपरस्टार, वाह क्या बात है, वेरी गुड सर, आपकी लगान देखी कमाल, मजा आ गया, इनफैक्ट आपकी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक कमाल थी, कमाल है सर, ये तो कुछ बेकार के लोग एक्टिंग कर रहे हैं, क्या क्या फिल्म बनाते हैं, गुड्डू जमाना दीवाना, ऊपर से बोलते मैं हूं ना, उस पार्टी में कुछ बूढ़ी औरतें आके मेकअप वेकअप करके बेचारी डाइटिंग की मारी, अपने आपको कम उम्र का बताने की डाइटिंग की मारी एकदम ऐसी दुबली पतली औरतें, उनको देख के पार्टी में कुछ लोग पूछते हैं, नमस्ते आपके पति देव, उनको पता है कि पति उस तरफ खड़ा है, वो आपके पति है ना, नहीं नहीं वो तो मेरे ससुर हैं, तो पति कहाँ है, कोई हैंडसम देख लेंगे, वो जो उस तरफ खड़ा है ना वो मेरा पति है, तो वो कहती वो तो मेरा पति है, वो आपका कब से हो गया, उनका छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, मम्मी 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 मम्मी, हाँ बेटा मुझे गोद में उठाओ, नो बेटा इतनी ताकत नहीं है मुझ में, गोद में उठा वरना सबको बता दूंगा आप मेरी नानी है। सबकी जिंदगी में एक बहुत प्यारा और खूबसूरत समय आता है, सबकी शादी होती है, शादी के लिए दो लाइन पेश करता हूँ, बच्चा बोला पापा पापा बच्चा बोला पापा पापा, दूल्हे को घोड़े पर क्यों बिठाते हैं, बच्चा बोला पापा पापा दूल्हे को घोड़े पर क्यों बिठाते हैं, मैं बोला बेटा तुझे क्या पता, बेटा तुझे क्या पता, बलि के पहले बकरे को सजाते हैं, बेटा बेटा तुझे क्या पता, बलि से पहले बकरे को सजाते हैं, और एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता, इसीलिए उसे घोड़े पर बैठाते हैं। शादी खूबसूरत चीज है, सबकी होना चाहिए, मगर लोग इतने टेंशन में इतने कमाते हैं साहब कि सब कुछ भूल जाते हैं। एक पुलिस वाले की शादी हो गई, पहली रात में पत्नी के पास गया, घूंघट उठाया और सीधा बोला, कानून सबूत मांगता, आप सबूत दो कि मेरी पत्नी हो। वो तो घबरा ही गई, बोले इतनी रात में कहाँ से सबूत लाऊं? बोले अपने साथ फेरे लगे थे, पंडित जी ने मंत्र पढ़े थे। बोले अभी पंडित जी कहाँ हैं? बोले 3 बजे रात में कहाँ से लाऊं? बोले कानून तो सबूत मांगता। उसको याद आया, यार मेरा पति पुलिस वाला, 100 का नोट दिया, बोले हम मान लेता हूँ आप मेरी पत्नी हो। आपने मैंने सत्यवान सावित्री पढ़े, सत्यवान का देहांत हुआ, यमराज जी लेके उड़े, पीछे पीछे सावित्री गई, वो छुड़ा के लेके आई, दौर बदल गया, इस बार सावित्री मर गई, सत्यवान पीछे पीछे चला। यमराज जी बोले तू कहीं तक आ, यमलोक तक आ, चाहे स्वर्ग लोक तक आ, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसको तो छोड़ दिया था। सत्यवान बोला बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैं यही बोलने आया हूँ। ऐसा दौर बदल गया है, ईमानदारी समाप्त हो चुकी है, ईमानदारी की कहानी पढ़ाई जाती थी, लकड़हारे की आपने पढ़ी, मैंने पढ़ी, कुल्हाड़ी गिर गई थी, सोने की परी लाई, बोले नहीं, चांदी की लाई, बोले नहीं, फिर लोहे की लाई, बोले हाँ यही है, तो उसने तीनों दे दी खुश होके, बोले ये ईमानदारी का इनाम। दौर बदल गया,
पत्नी गिर गई, पति बैठा हुआ था, रोने लगा। परी बोले क्यों रोता है? बोले मैं इकलौता पति हूँ, वो इकलौती पत्नी थी, गिर गई। परी बोले चिंता ना कर, मैं लाती हूँ। डुबकी लगाई, सीधा मल्लिका शेरावत को बाहर लाई। वो देख के ही खुश हो गया, बोले यही है मेरी, यही है। परी ने बोली अच्छा बेवकूफ बनाता है, मैं तेरी काली कलूटी को नहीं जानती क्या? बोले परी जी आपकी कहानी सुनी है, अभी मैं नहीं बोलूँगा, आप फिर जाएंगी बिपाशा को लाएंगी, मैं फिर नहीं बोलूँगा, फिर मेरी ओरिजिनल लाएंगी, फिर ईमानदारी का इनाम तीनों दे देंगी, इस महंगाई में एक नहीं पलती, तीन तीन क्या करूँगा। मगर मल्लिका का नाम आया तो चार पंक्तियां आप सुनाता हूँ। मल्लिका शेरावत, मल्लिका शेरावत, विदेशी फिल्मों की तरफ तो मत देखो। मल्लिका शेरावत, विदेशी फिल्मों की तरफ तो मत देखो। सलमान तो पागल है, उसकी तरह कपड़े उतार कर तो मत फेंको। ऐसा बिगाड़ आ गया है सर, नया रिमिक्स कैसेट देखा, लड़कियां नाच रही हैं, कम कपड़े पहन के नाचती वो तो ठीक, अब तो वो पत्ते झाड़ के उसकी ड्रेस बना के नाच रही है। मेरे को तो बहुत खतरा लगता है, तूफान आ गया तो कोई जरूरी नहीं आपके अभी समझ में आए। और उस कैसेट में वो जंगली लिबास पत्तों का पहन के गाना गा रही हैं, रिमिक्स आ गया आदिवासियों के बीच में, झिंगी लाला हूँ, झिंगी लाला हूँ, झिंगी लाला हूँ। मैंने चार लाइन लिखा, फिल्मी दुनिया की हसीन बालाओं, फिल्मी दुनिया की हसीन बालाओं, यानि कि आधुनिक लैलाओं, पत्ते का लिबास पहनकर मत नाचो, वरना दुनिया दिशा मोड़ देगी। पत्तों का लिबास पहनकर मत नाचो, वरना दुनिया दिशा मोड़ देगी। और उस वक्त क्या करोगी जब दुनिया आपके पीछे बकरा बकरी छोड़ देगी।